हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर टॉप 15 एमएससी क्वेश्चन एंड आंसर्स, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में आज हम जानेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन एंड आंसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के फादर कौन है। तो हमारा इसमें फोर ऑप्शंस हैं, इसमें हमारा राइट आंसर है चार्ल्स बैबेज डी, यानी कि चार्ल्स बैबेज जो है कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कंप्यूटर मॉनिटर को जाना जाता है एज ए DVU, UVD, VDU एंड CCTV। ये हमारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारा राइट आंसर है इसमें VDU, यानी कि कंप्यूटर के मॉनिटर को आप VDU भी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट्स ऑफ मेमोरी इज TB, KB, GB एंड MB, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर होता है मेमोरी यूनिट्स का, वो क्या है। वो राइट आंसर है इसका TB, GB एंड MB एंड KB, यानी कि टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट एंड किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिविन बाय ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर द्वारा दिया जाने वाला एक आउटपुट रिजल्ट कौन सा है। इसमें से डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूजन्स, इसमें हमारा राइट आंसर है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का एक आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड और राइट मेमोरी, इनमें से कौन सा रीड और राइट मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो हमारा इसमें ऑप्शंस हैं रोम, रैम, DVD एंड हार्ड डिस्क। तो हमारा इसमें राइट आंसर है रैम, यानी कि रैम को रीड और राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि एमएस वर्ड एग्जांपल है। हमारे फोर ऑप्शंस हैं इसमें, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ए प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इनपुट डिवाइस। तो हमारा राइट आंसर है इसमें सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एमएस वर्ड को एमएस वर्ड जो है एग्जांपल है किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दीज स्टोर मोर डाटा देन ए DVD, यानी कि इनमें से कौन सा एक DVD से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे इसमें ऑप्शंस हैं CD-ROM, फ्लॉफी, ब्लू रे डिस्क एंड रेड रे डिस्क। तो हमारा इसमें राइट आंसर है ब्लू रे डिस्क, यानी कि ब्लू रे डिस्क जो है एक DVD से ज़्यादा डेटा को स्टोरेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन सा पहला कंप्यूटर जो है मैन्युफैक्चर्ड हुआ था। इसमें ऑप्शन से हमारा सिद्धार्थ, परम, मेगा एंड साइबर। तो हमारा इसमें राइट आंसर है ए, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन से हमारे ए इंटरनेट, सेकेंड बी इंटरनेटवर्क, सी इंटरनल नेट एंड डी इंटरनेशनल नेटवर्क। तो हमारा इसमें राइट आंसर है इंटरनेशनल नेटवर्क डी, यानी कि इंटरनेट की जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BIOS इज यूज्ड बाय, BIOS यूज़ किया जाता है ऑप्शन से हमारे बाय कंप्यूटर, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय इंटरप्रेटर एंड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा इसमें राइट आंसर है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि BIOS को जो यूज़ किया जाता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटेड आउटपुट जो होता है उसको बोलते हैं कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या फिर पेपर। तो इसका राइट आंसर है हार्ड कॉपी, यानी कंप्यूटर के द्वारा जो प्रिंट निकलता है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गिविन बिलो नॉट रिलेटेड कंप्यूटर प्रोसेसर, यानी कि नीचे जो दिए गए हैं वो कंप्यूटर के प्रोसेसर से रिलेटेड नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन है ड्यूल कोर, i7, सेलेरॉन एंड एंड्रॉयड। तो इसमें हमारा जो एंड्रॉयड है ये कंप्यूटर के प्रोसेसर से रिलेटेड नहीं है, इसका राइट आंसर है एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, यानी कि कोडेड एंट्रीज जो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए यूज की जाती हैं। हमारे ऑप्शंस हैं एंट्री कोड्स, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड्स एंड कोड वर्ड्स। तो हमारा इसमें राइट आंसर है बी, यानी कि पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि इंटरनेट कनेक्शंस के लिए हमें कौन सी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन से हमारे जोस्टिक, मॉडम, CD ड्राइव एंड NIC कार्ड। तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, यानी कि मॉडम। मॉडम को हम इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UNIVAC इज स्टैंड फॉर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिवैल्यूड
ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हमारा इसका राइट आंसर है ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि UNIVAC स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर टॉप 15 MSC क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।